हेलो एवरीवन, कैसे हो? सारे होप करता हूँ सारे लोग ठीक होगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे हो। तो भाई नहीं ले रहे हो तो जल्दी से ले लो। वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है इंडियन टीवी एड्स, सॉरी इलॉजिकल टीवी एड्स। तो भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा पहले टीवी पर एड्स आया करते थे और वो एड्स इतनी ज़्यादा बकवास होती थी कि वो आप सीधे सीधे टीम जीरो से कंपेयर भी कर सकते हो। अब जो मैं आप लोगों को एड्स दिखाने वाला हूँ वो इतनी ज़्यादा क्रिंज है कि वो आप सीधे सीधे टोनी कक्कर के गाने से कंपेयर कर सकते हो। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करने के बाद आपकी बॉडी को ऐसी हेल्थ, ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि आपका कॉन्फिडेंस 100% रहेगा। इस एड में दीदी ने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जिसका नेम है GTM। अगर आप उसको लेते हो आप रातों रात राजपाल यादव से सीधे खल्ली बन जाओगे। भाई तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं निकालते? अगर मैं टोनी कक्कर को दूं ना तो टोनी कक्कर गूंगा हो जाए। GTM लैब में वर्षों की रिसर्च के बाद ये डिस्कवर किया गया कि इंसान के अविकसित शरीर को विकसित किया जा सकता है। फिर से बोला कौन सी लैब? GTM लैब में वर्षों की रिसर्च के बाद। ये कब बढ़ गया भाई? भाई खुद की लैब, खुद का साइंटिस्ट, खुद का दवाई और ऐसा ब्लेम कर रहे हैं। लग रहा है कि 200-300 साइंटिस्ट ने मिलकर बना रखा है। किसी को ध्यान में रखकर हिमालय और अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों जैसे अजगर, विधारा, चंद्रसुर, हेलो आदि को एक खास अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है स्टेप अप हर्बल बॉडी ग्रोथ फॉर्मूला। क्या बोला था शुरू में भाई? जितने भी तुमने दवाइयों का नेम बताया ना वो सारे के सारे खेती इंडिया में होती है उन सबकी। और भाई मतलब तूने हमको दिल्ली का CM समझ रखा है का? आज मैं समझ गया कि लोगों को चूतिया बनाना कितना आसान। 2-3 आयुर्वेदिक दवाइयों का नेम लो और बन गया ऑर्गेनिक चीज ले लो। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी जो साबित करेगी कि कितना पावरफुल है ये। हमारे घर में एक बच्चा हुआ, हमें बहुत आनंद हुआ, लेकिन हमें सबसे बड़े उसके ग्रोथ के बारे में चिंता होती। हमें हर दम चिंता रहती। उन्होंने हमें स्टेप अप का रिकमेंड किया। स्टेप अप का असर हमारे बेटे पे डेफिनेटली हुआ है। राजू बेटा यहाँ आओ। ये आदमी यार बालवीर में पहले काम करता था और शायद अब भी काम करता है, मैंने देखना छोड़ रखा है। ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह हुआ है। वाह, स्टेप अप का अफेक्ट देखकर तो मैं स्टंड हूं। अच्छा हुआ अम्बानी ने नेट सस्ता कर दिया, नहीं तो ये लोग चूतिया बनाते बनाते सरकार बनाने लगते हैं। क्या चुतिया बनाना ही केजरीवाल कहते हैं? अरे भाई ऐसे मत बोलो, बीजेपी के कांग्रेस हमको नहीं समझ में आता भाई। पार्टी वाटी आज मैंने जो यूनिफॉर्म पहना है सिर्फ और सिर्फ स्टेप अप के कारण ही पहन पाया। बचपन से मेरा सपना था कि आर्मी में जाऊं, देश की रक्षा। रिटर्न एग्जाम तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गया लेकिन फिजिकल एग्जाम में फेल हो गया। अगर तुम्हारे पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है तो कम से कम फोटोशॉप सीख लिया करो यार। साफ साफ दिख रहा है तुमने फोटो को लेके चिपका रखा है, मतलब फेस पे चिपका रखा है। पापा बेचारे मेरे लगे रहे, कभी कोई पिल्स ले आए, कभी स्पेशल एक्सरसाइज बोले करो, मतलब समझिए जिसने जो कहा करवा। भाई पापा है या ब्लॉगिंग चैनल, भाई देखो जो भी चीज कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है। GTM का स्टेप अप बॉडी ग्रोथ फॉर्मूला भी उनके दोस्त के कहने पर ही लेकर आए। बोले बेटा ये है स्टेप अप, शर्मा जी ने गारंटी दी है इसकी, तुम्हारे अरमानों की ऊंचाई को छूने में यही मदद करेगी। भाई तुम्हारा तो पता नहीं मगर तुम्हारे पापा का बहुत ही बड़ा हमको भविष्य दिख रहा है, इसलिए बोल दो कि वो एक कैमरा ले ले और यूट्यूब पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करे। रिश्ते आते थे मेरे लिए लेकिन पसंद मेरी छोटी बहन स्याली को करती, बड़ा गुस्सा आता था ऐसे रिजेक्शन से। जी है मेरी बड़ी बेटी प्रिया और वो छोटी बेटी स्याली। अच्छा, बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है, मुझे तो बस ऐसी ही अच्छी पर्सनैलिटी वाली पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए। ब्लॉगिंग की भाई ब्लॉगिंग की भी हद होती है यार। घर में रिश्तेदार आए हैं और ये लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी फिट स्लिमिंग ऑयल लगाओ और पहले हफ्ते में ही 1 inch लूज करो, 1 inch in first week। वो और कम करूं और कम करूं, वो आपके सामने वो 3 महीने पहले की फोटो देखेंगे आप। ये देखिए सोन, देखिए मेरी, और अब मेरा पेट देखिए 4 inch कम किया। ये लोग तुम्हारे वेट को कम नहीं, तुम्हारी इंच को कम कर रहे हैं, ये तुमसे 1 inch कटवा रहे हैं बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना ये सब लॉजिक सेंस नहीं बनता यार। अगर तुमको पतला होना है तो जाके दवाई वाई ले सकते हो डॉक्टर के पास, और लेकिन इन सब चीजों में। और भाई ये सब सारी चीज डिपेंड करते हैं तुम्हारी जीन के ऊपर कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, मोटे हैं पतले हैं जैसे भी हैं वैसे हैं, जीन के ऊपर डिपेंड करता है। आमिर खान ने अपने पोस्ट को #andcolorism के साथ खत्म करते हुए लिखा है हाउ प्राउड शी इज ऑफ हर स्किन टोन, आई एम सॉरी इफ सोशल मीडिया, इंडियन मैच मेकिंग और इवन योर ओन फैमिलीज हैव कन्विंस्ड यू दैट इफ यू आर नॉट 5 feet 7 inches and fair, you are not beautiful. I hope it helps to know that I'm 5'3 and brown and I'm extremely happy about it and you should be too. #endcolorism. रुको जरा, सबर करो। मर्दों की सख्त त्वचा के लिए पिंक फेयरनेस क्रीम नहीं बनी, फेयर एंड हैंडसम, नाम तो सुना ही होगा। 11 मुल्कों के मर्दों की सख्त त्वचा के लिए इसे लगाओ, गजब का गोरापन। भाई
भाई फेयर कलर के ऊपर इतनी ज्यादा वीडियो आ चुकी है, इतनी ज्यादा वीडियो आ चुकी है भाई। तू स्मार्ट है, चला जा आजा। अरे तू काला है, चल दवाई लगा के गोरा नहीं हो सकता, चल निकल निकल। तो बस भाई इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।